पल्लवी पांडे और आप देख रहे हैं राइट मिरर। आज हम ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं जो फिल्मों में ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी हीरो हैं। नमस्कार, राइट मिरर चैनल को बहुत बहुत बधाई इस कामयाबी के लिए। बहुत चर्चे में ये चैनल और मैं आगे के लिए भी भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। मैं हूँ आपका सदैव यादव हीरो किया। नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे खास मेहमान है सत्येंद्र यादव जी, जिन्हें हीरो भैया जी के नाम से जाना जाता है। तो आइए डायरेक्टली आप उनसे ही बात करते हैं। नमस्कार हीरो भैया सर, वेलकम टू राइट मिरर। मुझे आपके बारे में जानना है, पूरे दर्शकों को जानना है, राइट मिरर को जानना है कि अभी आपका जो कार्य कर रहे हैं पूरे देश भर आप घूम रहे हो, आपके पिक्चर रिलीज हो रही है, आप जो सामाजिक कार्य कर रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जी बिल्कुल, सबसे पहले सदैव यादव हीरो भैया का राइट मिरर के सभी दर्शकों को नमस्कार, सभी साथियों को और आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई। आप लोग भी बहुत चर्चे में आपका चैनल लोग देखते हैं इसे। मैं बताना चाहूँगा कि मूल रूप से तो मैं उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जनपद से हूँ और मैंने दिल्ली से रंगमंच भी किया है। I have started my career from one film called Intikam, the Perfect Game, और उसमें मनोज वाजपेयी और ईशा कोटिकर लीड में थे। पंकज पराशर की फिल्म थी ये, तो उसमें हमने सबसे पहले एक छोटा सा रोल किया था पत्रकार। तो आपकी शुरुआत पत्रकार की चीज से? जी बिल्कुल बिल्कुल, जब भी मैं कोई इंटरव्यू देता हूँ तो ये बात जरूर आती है। मेरी शुरुआत एक पत्रकार के जर्नलिस्ट के रोल से हुई। अच्छा। फिर हमने टीवी शो किया चाचा चौधरी, अराउंड 60-65 एपिसोड्स। वो भी तो बहुत चला, हाँ वो बिल्कुल, मैं एक्चुअली चर्चे में वहीं से आया क्योंकि फिल्म में तो एक छोटा सा रोल है, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो वहाँ से मैं टीवी पर जब मैं आया तो लोगों ने मुझे पहचाना जाना। मैं बीच बीच में रंगमंच करता रहता था, तो थिएटर एक अलग है, एक्टिंग करना वो एक अलग काम है, लेकिन टीवी का एक्टिंग वो बिल्कुल डिफरेंट है उससे। तो फिर बीच में मैं बिकॉज आई वॉज एसोसिएटेड विद श्री अखिलेश यादव एंड समाजवादी पार्टी, तो मैं समाजवादी पार्टी में तो वहाँ से मेरी सोशल लाइफ शुरू हुई। और उसके बाद फिर लास्ट ईयर हमारी एक तेरा साथ आई थी जिसमें हमने गेस्ट अपीयरेंस किया था। एक तेरा साथ हमारे एक दोस्त हैं अरशद सिद्दीकी जो डायरेक्टर हैं, जिन्होंने राम साहब और तमाम सारी फिल्में की हैं, लिखी भी हैं उन्होंने फिल्में, लाल सलाम जैसी बड़ी फिल्में लिखी हैं। तो उन्होंने मुझे ऑफर किया तो मुझे अच्छा लगा, मैंने किया। उसके साथ फिर मेरी एक फिल्म रिलीज होने जा रही है एक डेढ़ महीने बाद, बहुत जल्द उसका टीजर शुरू होगा। फिल्म का नाम है राइफल गंज। राइफल गंज एक एक्शन फिल्म है और ट्रू स्टोरी बेस्ड है। बिहार में ऐसा एक व्यक्ति था जो सेम दिन उसी सेम टाइम सेम डे वो आईएएस में टॉप करता है, उसी दिन वो लैंडस्लाइड बन जाता है। जी तो कैसे फिर वो सिस्टम के अगेंस्ट होकर काम करना चाहता है, क्योंकि वो कह रहा है कि उसका कहना है कि प्रोसेसिंग बहुत हो गया है और फैसला ऑन द स्पॉट होना चाहिए। इंडिया में प्रोसेसिंग बहुत है और लीडरशिप जो है राजनीति का शिकार है देश बहुत की वजह से, उसके अगेंस्ट में वो आवाज़ उठाता है। तो एक्शन फिल्म है, वन ऑफ माई कजन ब्रदर इज प्लेइंग लीड इन द फिल्म, देयर इज ओम पुरी ऑल्सो, very big role of Ompuri. I have played a parallel lead of that character, centralized characters. There are three characters. One person inspired by Bhagat Singh and other hero is inspired by Azad and which I have played the role that inspired by Sukhdev, Gandhi Bari Sukhdev. Action film and Sufi is my hero name. Oh, Leia Sultan film. अच्छी पिक्चर है, बहुत जल्द आने वाली है। उसके साथ मेरी जो सोशल लाइफ है, आपने सवाल किया था,
मैं देश में ये देखता हूँ कि हर बार हर चुनाव में पूरे देश में चुनावी हिंसा में प्रचार प्रसार में या वोटिंग में या बूथ सेक्टर में कहीं भी हर लेवल पर सारा जितना भी माजरा है पूरे देश में इसका शिकार यूथ होता है। हमारे और आपके जैसे लोग किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का झंडा थाम लीजिए, किसी चुनाव चिन्ह को ले लीजिए, हम एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं राजनीति। इसका शिकार आखिर में हम और आप जैसे लोग ही होते हैं। झंडा चाहे आप किसी और का थामे, हम किसी और का थामे, हम आपस में लड़ते हैं और जो हाई लेवल पर जो लीडर्स हैं वो एक साथ बैठते हैं। तो देश में जो राजनीतिक नफरत है उसे मैं खत्म करना चाहता हूँ। ओके। और जो वाकई में लोगों की मदद जहाँ से हो सके ऐसा एक प्लेटफॉर्म हमने खड़ा किया है और मैंने काम भी शुरू कर दिया है और धीरे धीरे 10-12 लोगों से हमने शुरू किया था। इस वक्त में देश के 7 राज्यों में काम करता हूँ। ओके, 7 राज्यों में। जी, जन समस्या मेला नाम से। ओके। ये जन समस्या मेला भारत जो है इसका ये भारत की पहली ऐसी संस्था है जिसमें युवाओं, गरीबों, किसानों और महिलाओं की दबी हुई जन शिकायतों को लेकर शासन तक, मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाने का जनहित कार्य किया जाता है। तो हमने ये देखा कि पूरे देश में चुनाव चिन्ह और राजनीतिक दलों के झंडे थमाने के बाद हम युवाओं को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया जाता है। पूरे भारत में हम एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। हमारे अंदर राजनीतिक और वैचारिक मतभेद तो होना ठीक है, लेकिन भारत में इस वक्त हम राजनीतिक नफरत के बहुत बड़े स्तर पर शिकार हो गए। जितना यूथ है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में रहकर आपस में लड़ता है और हर 5 साल में पूरे देश में बड़े स्तर पे जब चुनाव होते हैं तो हम नौजवान मारे जाते हैं। भारतीय संसद में जितने भी सांसद आज तक चुनकर जाते हैं आज तक किसी ने देश को आज़ादी के बाद 70 साल हो गए हैं और हर बार जो चुनावी हिंसा में चुनावी प्रक्रियाओं में लोग मारे जाते हैं हमने देखा कि इस पहलू पर किसी ने आज तक आवाज़ नहीं उठाई। आप जाति की बात करते हैं, आप धर्म की बात करते हैं, आप समुदाय की बात करते हैं, आप राजनीतिक दल की बात करते हैं, अपनी पार्टी की बात करते हैं, अपने वोट बैंक की बात करते हैं, अपनी जीत हार की बात करते हैं, लेकिन भारत में उस मारे गए चुनावी हिंसा में आप ही की राजनीतिक परिवर्तन के लिए नौजवान की हत्या की बात नहीं होती, जिसे सेक्टर पे बूथ पे मार दिया जाता है, जिसे किडनैप कर लिया जाता है। ये जीत और हार अब प्रधानी से लेकर ब्लॉक प्रमुखी, जिला पंचायती, विधायकी और सांसदी तक बहुत बुरी तरह से एक नफरत के बीच जो है बहुत बड़े स्तर पर बोल जा चुके हैं। हमने जन समस्या मेला भारत के नाम से एक पूरे देश में एक ऐसा आंदोलन शुरू किया है जिसमें इस राजनीतिक नफरत को कम किया जाएगा और देश में युवाओं, गरीबों, किसानों और महिलाओं की दबी हुई जन शिकायतों को लेकर बिना किसी लंबी प्रक्रिया के शासन मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाएगा। जब सरकारें न दें न्याय, अपराधी करें न्याय, तो बेबस लाचार मजबूर होकर घर में न बैठे, उठ खड़े हो और अपनी लड़ाई खुद लड़े। जॉय जेएसएम, लीड इंडिया, जन समस्या मिला आपकी अपनी अदालत। तो आज ही www.jansamasyamela.co.in पर जाएं और जुल्म और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं। से मैंने
पूरे देश में लगभग 7 राज्यों में मैं काम कर रहा हूँ, मुझे बहुत खुशी है। और लोगों का इसमें बहुत सपोर्ट मिला है, बड़ी तादाद में बड़े स्तर पर हमें देश के नौजवानों ने इसमें सहयोग किया है और इसमें हिस्सा लिया है। तो अभी इसका जो कार्य होता है आपके पार्टी में या फिर आपके संस्था में, तो ये किस प्रकार के काम करते हैं? आपके जो युवा है और आपके जो जितने भी फ्रेंड्स वगैरह है, ये कैसे काम करते हैं, कैसे कार्य हो जाता है उसमें? देखिए, इसमें थाने स्तर से लेकर जिले, विधानसभा, लोकसभा, मंडल, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पे एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक कमेटी बनी हुई है। जो कमेटी अपने अपने स्तर से काम करती है, लोगों की समस्याएं लेती है, शिकायतें लेती है और उन शिकायतों को लेकर ऊपर देती है जो हमारी कमेटी के सीनियर्स हैं, और जितने भी जन समस्या मेला के अधिकारी हैं वो सब उन शिकायतों को इकट्ठा कर राज्य कार्यकारिणी को देते हैं, और राज्य का जो डेलीगेशन है हमारा हर एक स्टेट का, वहाँ के मुख्यमंत्री को पहुँचाता है, जिस पर तत्काल कार्रवाई होती है। और जो लोग छोटे स्तर पे जैसे थाने में जाकर या निचले स्तर पे जाकर शिकार होते हैं, मान लीजिए एक विधायक जी का फोन आ गया कि फलाने सिंह को छोड़ दो, क्या है ये गरीब को सताया है और आपने फोन कर दिया उसको छोड़ दो, ऐसे कैसे लोग आप बताइए। किसी की बहन की इज्जत लूटी और उसके बाद वो किसी का फुफेरा ममेरा चचेरा निकलता है किसी लीडर का या किसी उद्योगपति का या किसी ऐसे स्तर का, तो आप क्या करते हैं कि आप उसको शर्त देते हैं, आप उसे बचा लेते हैं। लेकिन जिसकी बहन की जिसकी बेटी की इज्जत गई होती है उस पर क्या देखते हैं? आज देश में पूरा देश इस वक्त राजनीतिक नफरत का शिकार है। मैं उसमें एक भारी बदलाव लाना चाहता हूँ, मैं उसमें एक आंदोलन के माध्यम से परिवर्तन लाना चाहता हूँ। इस देश में ज़्यादातर लोग आते हैं, अभी देखिए जैसे हमें आम आदमी पार्टी से बहुत उम्मीद थी, ऐसा लगा था कि मुझे तो ऐसा लगा जब ये आंदोलन चल रहा था, जिसको देखो टोपी पहन के मैं अन्ना हूँ, मैं अन्ना हूँ, मुझे लगा कि ऐसा ना हो कि अन्ना को राष्ट्रपति घोषित कर दिया जाए बीच में, इतना बड़ा। और आखिर में उसका हसर क्या हुआ कि एक केजरीवाल को मुख्यमंत्री बन के सत्ता मिल गई और उनकी राजनीतिक आकांक्षाएं पूरी हो गई। बस हर बार समय समय पर देश में एक न एक आंदोलन हो रहा है, मुझे लगता है भारत में आने वाले समय में अगला आंदोलन जन समस्या मेला आंदोलन होगा, जो देश में राजनीतिक नफरत खत्म करेगा और युवाओं, गरीबों, किसानों, महिलाओं की समस्याओं को मुख्यमंत्री तक पहुंचाकर राज्य सरकार के साथ मिलकर उसे खत्म करेगा और देश में एक ऐसा माहौल पैदा करेगा ताकि हम विकास के पथ पर जाएं। हम ज़्यादातर अपराध तब उपजता है जब आप शिक्षित नहीं होते हैं और आप बेरोज़गार होते हैं। आप बेरोज़गार में होते हैं, शिक्षित नहीं होते हैं, तो आपके अंदर क्रोध जागता है, रोजगार होता नहीं है, तो आप अपराध करते हैं। तो अब हम चाहते हैं कि देश में नौजवानों को रोजगार मिले, शिक्षा का महत्व हो, स्वास्थ्य सही व्यवस्था में काम करे, और जितने देश में IAS, IPS, PCS हैं, जो जितनी ब्यूरोक्रेसी है ये ब्यूरोक्रेसी को भी सही करना होगा। क्योंकि ब्यूरोक्रेसी क्या करती है कि सरकार जैसी बदलती है वो उन नेताओं के पीछे जो है उनकी जी हजूरी बन जाते हैं, काम नहीं करते। ये सिर्फ चिट्ठी, अगर आजकल मुख्यमंत्री की भी अगर चिट्ठी जाती है तो ये लोग सिर्फ एक जवाब बना लेते हैं कि साहब हमें फलाना फलाना निस्तारण करके उसको ऐसा कर दिया है, लेकिन उसका प्रॉपर हल नहीं होता। तो भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ, भ्रष्ट राजनेताओं के खिलाफ, भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ भारत में इकलौती ये एक बड़े स्तर पर और सबसे तेजी से उभरने वाले एक आंदोलन की एक ऐसी मुहिम है जिसमें आप परिवर्तन बहुत जल्द आप पूरे देश में देखेंगे। और आप क्या कहना चाहोगे युवा पीढ़ी को जो कि आपके पीछे लगी हुई है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जो भी कार्य करें पूरी शिद्दत से करें और
ये देश जो है किसी की बापोती नहीं है। अगर आप छोटे घरों से हैं, मध्यम परिवारों से हैं, तो आप अपने दिल को, अपने मन को, अपने हौसलों को बिल्कुल छोटा न करें। जो सपना देखें, आप प्रतिदिन 24 घंटे उसी सपने में रहें और उसी में जिए, उसी में काम करें। कामयाबी हो सकता है कि आपको थोड़ी देर में मिले, लेकिन ये वादा है अगर आप पूरी शिद्दत से लगेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी। देश में सबसे पहले इस वक्त, अगर तब भी जब आज़ाद हुआ तब भी अगर परिवर्तन आया, त्याग और बलिदानी दी, तो युवाओं ने दी, नौजवानों दी, नौजवानों ने, और आज फिर वो समय आ गया है कि भारत में अब नौजवानों को एकजुट होकर एक नए भारत की कल्पना करनी है। तो मैं चाहता हूँ कि देश में जिस तरह से हमेशा से पहले से ही इस भारत में अगर बदलाव भी लाया है तो नौजवान लाए हैं, युवा लाए हैं। इस देश में सबसे ज़्यादा अगर खून किसी का बहा है तो वो हम नौजवानों का बहा है, चाहे आज़ादी हो, चाहे अन्य कोई आंदोलन हो, या किसी भी देश के राज्य में कोई बदलाव की नदी, हमेशा हम नौजवानों का इस्तेमाल हुआ है। और आज भी अगर राजनीतिक रूप से देखा जाए तो चाहे वो सत्ता हो, चाहे वो विपक्ष हो, इस्तेमाल सिर्फ नौजवान का किया जाता है, लेकिन इतने बड़े स्तर पर जिसका इस्तेमाल किया जाता है वो नौजवान के पास कोई ताकत नहीं होती। ताकत होती है उन राजनेताओं के चाटुकारों के पास जो उनके सेक्रेटरीज होते हैं, उनके पीए होते हैं, उनके साले होते हैं, उनके जीजा होते हैं, उनके ममेरे मुसेरे और सब कुफेरे जो घर परिवार के लोग होते हैं। एक नौजवान जो परिवर्तन के लिए त्याग करता है उसके पास ताकत क्यों नहीं होती। इस देश में जन समस्या मेला आंदोलन चलेगा बहुत बड़े स्तर पर और देश में बदलाव की आदि आने वाले समय में आपको नजर आएगा। ओके, जाते जाते अब आपकी फिल्म जो रिलीज होने वाली है, जो कि अभी अगली फिल्म है, जो कि एक्शन फिल्म है, उस फिल्म के बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, राइफल गंज नाम है। मैं आपके सभी दर्शकों से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि लगभग 1.5 महीने बाद फिल्म रिलीज होगी, सिनेमा में प्रदर्शित होगी। तो जैसे आपने हमेशा प्यार दिया है, इस फिल्म को भी प्यार दें और इसे देखें आप लोग। और राइफल गंज जो है एक्शन फिल्म है, हमने उसमें सुखदेव का रोल प्ले किया है। 3 हीरो हैं तो एक सुखदेव हमने प्ले किया है। फिल्म में ओमपुरी जी हैं, ओमपुरी जी की आपकी फिल्म होगी। हाँ, उनका बहुत बड़ा रोल है फिल्म का, फिल्म में ओमपुरी जी का। और इसके डायरेक्टर जो हैं मनोज झा हैं। और आप सभी साथियों से हमारा अनुरोध है कि फिल्म को देखें और इससे। ओके, थैंक यू सर, आपका इतना कीमती समय राइट मिनट के लिए देने के लिए, थैंक यू सो मच। Hi, this is Shaleen Leonard Hero Bhaiya and you are watching Right Mirror. Congratulations for great success of Right Mirror channel and wishing you all the very best. Thank you. तो अभी आप मिल रहे थे आपके लाडले हीरो भैया यानी सत्येंद्र यादव से। राइट मिरर के राइट टॉक में हम आपको यूं ही मिलवाते रहेंगे नई नई व्यक्तियों से। देखते रहिए राइट मिरर। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब राइट मिरर। नमस्कार।